मुद्दा यह है कि जब ये सुपर साइक्लोन लगातार आ रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और एक्सट्रीम वेदर जो हो रहा है, तो इससे क्या हमको एक एडवांटेज मिल सकता है क्या कि हम इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर पाए? तो आपको मालूम होगा कि ये जो सौराष्ट्र रीजन है और कच्छ रीजन जो है गुजरात का है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, राइट? इस तरीके से आप देखेंगे राजस्थान में भी कम बारिश होती है, और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन जो गुजरात के, यहाँ भी कम बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है रेन शेडो एरिया के रूप में जाने जाते हैं गुजरात में। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब कभी ये साइक्लोन आते हैं तो हम किस तरीके से जो है इनसे एक एडवांटेज ले सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। हम किस तरीके से, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी सरकार ने जल शक्ति अभियान चलाया है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने हैं मार्च 2021 में जो है जल शक्ति अभियान चलाया था, आपको मालूम होगा। तो जल शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार वैसे बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि आपको पता है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग जो है मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें वाटर कंजर्वेशन का भी काम है। उसमें पॉन्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें। तो ये मनरेगा के अंतर्गत होता है ये काम। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे जैसे चेक डैम्स बना रहे हैं, कुएं बना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान और गुजरात हैं ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान जो है ये कह सकते हैं रेन शैडो एरिया में आता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये जो है मान लिया माउंटेन है ये, और ये जो है सी का एरिया हो गया, ये पूरा सी है, यहाँ पे समुद्र है, और ये जो बारिश होती है जब मानसून आता है तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो बादल हैं ये जब बनते हैं ऊपर से तो ये बारिश होती है। तो जो क्लाउड्स होते हैं ये सब जो है ये साइड में जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, ठीक है, जो विंड्स होती हैं ये विंड्स इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो विंड्स जब इस डायरेक्शन में चलती है तो इनमें मॉइस्चर होता है, और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न घाट का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर हम अरावली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये साइड में जो है, ठीक है, मतलब जो अरावली है वो रेन शैडो एरिया के रूप में काम करते हैं, उसी तरीके से वेस्टर्न घाट है, मान लिया ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में जो ये सी है, समुद्र है, समुद्र के वेस्टर्न साइड में, राइट, मतलब कोस्टल एरिया में बारिश ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप अंदर के साइड में चलेंगे यहाँ पे तो इस अंदर के साइड में बारिश कम होती जाएगी। तो ये वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं रेन शैडो एरिया, इसे हम कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है। रेन शैडो एरिया का मतलब होता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पे बारिश कम होती। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे जो हैं रेन शैडो एरिया हैं, ये जो इंडिया है, भारत है, तो इसमें देखेंगे जो मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून के जिस ढंग से आता है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये वाला एरिया है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मानसून आगे की तरफ चलता है, जैसे जैसे मानसून ये आगे की तरफ चलता है तो ये मानसून जो है कम होता जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल reduces from west to east, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे जैसे हम अंदर की साइड में जाएंगे तो ये जो है बारिश कम होती जाएगी, उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये जो मानसून आता है इस तरीके से, इधर से जो बे ऑफ बंगाल वाला मानसून आता है ये भी इस तरीके से आगे बढ़ता है, और आप देखेंगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, राइट, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, तो इसका जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरावली रेंज है, तो अरावली जो रेंज है
ये वाला जो एरिया है ये अरावली रेंज है, और यहाँ पे जो है मानसून को रोक लिया जाता है। और तो ये पीछे का जो साइड हो गया, ये वाला पीछे वाला साइड हो गया, ये रेन शेडो एरिया होता है, राजस्थान है वहां पे बारिश, इसीलिए वहां पे बारिश नहीं होती क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है। और अगली बात ये भी है कि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है, अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें मॉइस्चर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आप देखेंगे राजस्थान में बारिश कम होने के पीछे कारण क्या है, रेन शेडो एरिया है अरावली का, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन रहती है, वो भी एक कारण है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो गुजरात वाली बात है, जहां तक मैं गुजरात की बात करता हूँ, अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में यहाँ ये समझना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, साउथ वाला जो पोर्शन है गुजरात का, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ गुजरात की बात करेंगे तो नॉर्थ गुजरात में कम बारिश होती है। नॉर्थ गुजरात में ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ गुजरात में, उत्तरी गुजरात में कम बारिश होती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो अरेबियन सी का जो ब्रांच है, जहां से जो मानसून जाता है, अरेबियन सी का अगर हम मानसून की बात करेंगे, जो मानसून यहाँ से चलता है, अरेबियन सी वाला मानसून, तो ये मानसून अरावली रेंज के पैरेलल चलता है, समांतर चलता है उसके, ठीक है। तो एक तो ये वाला मानसून की भी मॉइस्चर वहां तक नहीं पहुंच पाता है, अरेबियन सी का मानसून जो है, ये जो ब्रांच है यहाँ से वेस्टर्न घाट पर ज्यादा वर्षा करती है, ये वेस्टर्न घाट पर आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। तो उसी तरीके से ये वक्त है कि जब कभी साइक्लोन आते हैं तो क्यों ना हम जो है उस समय वाटर को कंजर्व कर लें, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए और हम पानी को उन एरियाज में कंजर्व कर सकें जहां पानी की कमी है। ये लेक्चर का जो मेरा उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो यही था जो मैसेज मैं आपको दे चुका हूँ। हम नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।